हाँ जी नमस्कार, सभी को नमस्कार, बहुत प्यारा प्यारा नमस्कार। मैं सुनील यादव एक बार फिर अपने उत्कर्ष परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज अपन शुरुआत करेंगे समानता के अधिकार की, ठीक है? तो देखिएगा, बड़ा प्यारा अनुच्छेद है आपका और नाम है आपका समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार का उल्लेख देखिएगा कहाँ से कहाँ तक है। पहले तो ये देखिएगा, समानता के अधिकार का जो उल्लेख किया गया है वो किया गया है आपका अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। क्लियर? तो अब देखिएगा, अगर अपन बातचीत करें अनुच्छेद 14 की, तो समझिएगा पहले आराम से। अनुच्छेद 14 में आप कहेंगे कि इस अनुच्छेद में दो प्रकार की विधियों का उल्लेख है। इस अनुच्छेद में दो प्रकार की विधियों का उल्लेख है। दो प्रकार की विधियों का क्या है उल्लेख? सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना कि अनुच्छेद 14 में कितने प्रकार की विधियों का उल्लेख है। दो प्रकार की विधियों का क्या है उल्लेख है। अब कौन कौन सी विधियां हैं तो सुनिएगा पहले। एक है आपका विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता, और एक है आपका विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण। देखो कि अनुच्छेद 14 में कितनी प्रकार की विधियों का उल्लेख है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 14 में दो प्रकार की विधियों का उल्लेख है। प्रत्येक चीज को ढंग से समझते जाओ। हाँ भाई हाँ, सबको नमस्कार, बहुत प्यारा प्यारा नमस्कार सबको। और पीडीएफ मिल जाएगी आपकी, टेंशन क्यों ले रहे हो आप, सारी व्यवस्थाएं आपकी हो जाएंगी। आप तो सिर्फ कंसेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है? तो देखिएगा, अनुच्छेद 14 में दो प्रकार की विधियों का उल्लेख है। एक विधि के समक्ष समानता का उल्लेख है, एक विधियों के समान संरक्षण का उल्लेख है। क्लियर? अब देखिएगा कि विधि के समक्ष समानता का ये जो विचार है ये कहाँ से लिया गया है, समझना एक मिनट। आप कहेंगे कि विधि के समक्ष समानता का जो विचार है ये ब्रिटेन से लिया गया है, जबकि विधियों के समान संरक्षण का जो विचार है वो अमेरिका से लिया गया है। पहला पॉइंट क्लियर कि विधि के समक्ष समानता का विचार कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। विधियों के समान संरक्षण का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है। अब दूसरी बात ध्यान रखिएगा, यह नकारात्मक अर्थ में है। ध्यान रखिएगा किस अर्थ में है, नकारात्मक अर्थ में है, जबकि विधियों के समान संरक्षण का जो विचार है ये सकारात्मक अर्थ में है। तो आपसे पूछा जाए कि विधि के समक्ष समानता किस अर्थ में है, नकारात्मक में, और विधियों के समान संरक्षण है ये किस अर्थ में है, तो आप कहेंगे सकारात्मक अर्थ में है। किस अर्थ में है, सकारात्मक में। अब आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्यों, समझना एक मिनट, कि ये नकारात्मक में क्यों है और ये सकारात्मक में क्यों है। तो ध्यान रखिएगा, नकारात्मक अर्थ का मतलब होता है कि ये जो विधि है, विधि के समक्ष समानता, ये सभी व्यक्तियों को समान मानती है। यह सभी व्यक्तियों को क्या मानती है, समान मानती है। याद रखिएगा, बड़ा प्यारा कंसेप्ट है, सभी व्यक्तियों को क्या मानती है, समान मानती है। जबकि विधियों के समान संरक्षण ये कहता है कि परिस्थितियों के अनुसार, किसके अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार छूट दी जा सकती है। परिस्थितियों के अनुसार छूट दी जा सकती है। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा कि विधि के समक्ष समानता में क्या कह रहा हूँ कि नकारात्मक अर्थ में है, जबकि विधियों के समान संरक्षण है ये सकारात्मक अर्थ में है। नकारात्मक में क्यों है, क्योंकि ये सभी व्यक्तियों को समान मानती है, एक्स वाई जेड कोई भी हो। और विधियों के समान संरक्षण है ये सकारात्मक अर्थ में क्यों है, क्योंकि ये परिस्थितियों के अनुसार छूट देने की क्या करती है, बातचीत करती है। जैसे एग्जाम्पल सुनिएगा, जैसे आप किसी दुकान पे गए, शॉप पे गए हो, और एक तो होती है फिक्स रेट की दुकान और एक होती बार्गेनिंग वाली। जैसे फिक्स रेट में आपको लिखा हुआ होता है प्राइस 999 रुपए। अब आप ये बताइएगा कि वहाँ जब अपन सामान खरीदते हैं तो एक रुपए कम नहीं करता, चाहे आपकी स्थिति कैसी भी हो। तो इसका मतलब यह सभी व्यक्तियों को क्या मान रही है, समान, चाहे वो एक्स आ रहा हो, चाहे वाई आ रहा हो, चाहे जेड आ रहा हो।
सबको समान मान रही है कि नहीं मान रही? आप कहेंगे जी सर बिल्कुल सबको समान मान रही है, तो वहां पर कौन सा नियम लग रहा है? विधि के समक्ष समानता वाला नियम लग रहा है। और आप देखो कुछ दुकान है, आप किसी सेठ जी के पास गए, सामान वान खरीदा, और जैसे सामान हुआ 1200 रुपये, 1300 रुपये, 1500 रुपये का, आपने कहा कि सर मेरी स्थितियाँ ऐसी नहीं है, कृपया मुझे 100-200 रुपये की छूट दे, 500 रुपये की छूट दे। और जब सेठ जी आपको छूट दे देता है परिस्थितियों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अनुसार, वो कौन सा होता है? विधियु के समान संरक्षण। जैसे कई बार अपन देखते हैं कि अगर अपन न्यायपालिका की बातचीत करें, तो जैसे दो व्यक्ति हैं और दोनों व्यक्तियों के हाथ से कोई मर्डर हो जाता है, ये मानिए हत्या हो गई, अब विधि के समक्ष समानता तो क्या कहती है, क्योंकि सबको समान मानती है कि चाहे वो एक्स हो चाहे वाई हो, अगर जो लिखा गया है 5 साल 10 साल की सज़ा, वो दोनों को मिलेगी, उसमें कोई छूट नहीं होगी। लेकिन विधियों के समान संरक्षण क्या कहती है? विधियों के समान संरक्षण कहती है परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति को क्या दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है। तो जैसे मान लीजिएगा कि जो एक्स नाम का व्यक्ति है वो आदतन अपराधी था, जबकि वाई नाम का जो व्यक्ति है वो बिल्कुल क्लीन एंड चिट है, बिल्कुल कोई अपराध नहीं किया, लेकिन गलती से अपराध हो गया, तो ये विधियों के समान संरक्षण ये कहता है कि एक्स को तो वही सजा मिलेगी 5 साल 7 साल 10 साल की, जबकि वाई को परिस्थितियों के अनुसार क्या दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है। और कई बार आप देखते हो अच्छे व्यवहार आचरण के कारण जो 5 साल या 10 साल की सजा हुई है उससे पहले ही व्यक्ति को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसका मतलब ये विधियों के समान क्या है, संरक्षण है, अर्थात परिस्थितियों के अनुसार क्या दिया जाना, छूट दिया जाना। क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर। अब देखिएगा ये तो अनुच्छेद 14 में अपने दो विधियों की बातचीत कर ली, अगर अपन बातचीत करें कि अनुच्छेद 14 के अपवाद क्या है, अनुच्छेद 14 के अपवाद क्या है? अपवाद का मतलब है भारतीय संविधान में कुछ ऐसी व्यवस्था दी गई है जो विधि के समक्ष समानता का अपवाद है। विधि के समक्ष समानता के अपवाद का मतलब है उन्हें भारत में विधि के समक्ष छूट दी गई है, और वो अपवाद में ध्यान रखिएगा नंबर एक आपका है राष्ट्रपति और राज्यपाल, राष्ट्रपति और राज्यपाल, याद रखिएगा राष्ट्रपति और जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 14 का क्या है, अपवाद है। और ये किस अनुच्छेद में लिखा है, ये लिखा गया है अनुच्छेद 361 में। किस में लिखा है? अनुच्छेद 361 में लिखा गया है। क्लियर हो गया? अब अनुच्छेद 361 में लिखा क्या है, तो इसमें चार व्यवस्थाएं लिखी गई हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी न्यायालय के प्रति कोई उत्तरदायी उनका नहीं होगा, कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। दूसरी व्यवस्था कही गई है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को पद पर रहते हुए कोई भी दांडिक कार्रवाई या आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। नंबर तीन, इनको पद पर रहते हुए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता, गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और नंबर चार, यदि दीवानी मामलों में कोई मामला है और यदि इन पे कोई एक्शन करना है तो 2 माह पहले क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। बाकी पद पर रहते हुए न तो ये किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी है, न इन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया जा सकता है, न कोई आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। क्लियर? दूसरा इसका अपवाद है सांसदों का / विधायकों का विशेषाधिकार, विधायकों का विशेषाधिकार, और सांसदों का / विधायकों का जो विशेष अधिकार लिखा गया है वो है अनुच्छेद 105 और 194 में। सुनना, सांसदों का विशेष अधिकार लिखा है वो अनुच्छेद 105 में लिखा है, जबकि विधायकों का जो विशेष अधिकार लिखा है वो किस में लिखा है, 194 में लिखा है। सांसदों और विधायकों का क्या क्या विशेष अधिकार है, तो एक बार सुनिएगा पहले कि सांसद और विधायकों को सदन में बोलने की पूर्णतः क्या है, स्वतंत्रता है। उसकी कही गई बात को किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। नंबर दो, सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और सत्र समाप्त होने के 40 दिन बाद सिविल मामलों में इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, आपराधिक मामलों में ये छूटे नहीं है। और तीसरा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट संसद की या विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। कई बार आप देखते हो कि संसद / विधानमंडल में लात घूंसे चल जाते हैं, मिर्ची का पाउडर फेंक दिया जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो ध्यान रखिए उस परिसर के अंदर उन्हें पूर्णतः क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, वो स्वतंत्रता उन्हें प्राप्त है। सत्र शुरू होने के 40 दिन पहले और 40 दिन बाद सिविल मामलों में भी उन्हें क्या है, छूट प्राप्त है। क्लियर? इसके बाद में तीसरा है आपका विदेशी संप्रभु,
तीसरा है आपका विदेशी संप्रभु। विदेशी संप्रभु का मतलब है, आप कहेंगे कि विदेशी संप्रभु का मतलब दूसरे देश का कोई राष्ट्राध्यक्ष भारत आ रहा है और यदि उसके हाथों से कोई कानून का क्या हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है, तो उसे भी दंड नहीं दिया जा सकता। और इसके बाद में चौथा है, ध्यान रखिएगा, नंबर चार है आपका राजदूत। नंबर चार कौन सा है? राजदूत। राजदूत का मतलब है कि यहाँ पर किसी देश का कोई राजदूत कार्य कर रहा है और उसके हाथों से भी किसी कानून का क्या हो जाता है, उल्लंघन हो जाता है, तो उसे भी दंडित नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 14 के क्या क्या अपवाद है? आप कहेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल, अनुच्छेद 361। फिर आप कहेंगे सांसदों / विधायकों का विशेष अधिकार, अनुच्छेद 105, 194। फिर आप कहेंगे विदेशी संप्रभु और फिर आप कहेंगे राजदूत। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट में एक और नोट ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 में एक केस आया था जिसका नाम था मिनर्वा मिल्स वाद। और ये मिनर्वा मिल्स वाद जो आया था, ये आया था 1980 में। और ध्यान रखिएगा, इस वाद में विधि के समक्ष समानता को, कौन से शब्द को? अनुच्छेद 14 में जो लिखा हुआ है, विधि के समक्ष समानता को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया गया। याद रखिएगा, संविधान का क्या घोषित किया गया? मूल ढांचा। अब आपसे पूछा जाए सीधा सीधा कि विधि के समक्ष समानता संविधान का क्या है, मूल ढांचा है, ये किस केस में घोषित किया गया था? तो आप कहेंगे मिनर्वा मिल्स वाद में घोषित किया गया था। क्लियर हो गया? फिर एक बात और ध्यान रखिएगा, नोट डाल करके एक बात और ध्यान रख लीजिएगा, और ये है कि अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 14 है वह युक्ति युक्त वर्गीकरण का समर्थन करता है। युक्ति युक्त वर्गीकरण का क्या करता है? समर्थन करता है, लेकिन लेकिन वर्ग विभेद का, लेकिन ध्यान रखिएगा, वर्ग विभेद का विरोध करता है। वर्ग विभेद का क्या करता है? विरोध करता है। नोट डाल के याद कर लेना भाई, अनुच्छेद 14 क्या है? युक्ति युक्त वर्गीकरण, यानी आप जो क्लासिफाइड करते हो, क्लासिफिकेशन करते हो, युक्ति युक्त सही होना चाहिए। जैसे आप, जैसे मान लो कि बुद्धि के आधार पर किसी व्यक्ति का वर्गीकरण कर सकते हो कि इंटेलिजेंट व्यक्ति आगे बैठेगा, कमजोर व्यक्ति पीछे बैठेगा, या कमजोर आगे बैठेगा, इंटेलिजेंट पीछे बैठेगा, ये वर्गीकरण हो सकता है। श्रम के आधार पर ज़्यादा श्रम करने वाले का अलग क्लास हो सकती है, कम श्रम करने वाले की अलग क्लास हो सकती है। तो वर्गीकरण आप कर सकते हो, क्लासिफिकेशन, लेकिन वर्ग विभेद, वर्ग विभेद का मतलब है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर अनुच्छेद 14 विभेद की बात करता है। वो ये कहता है कि ये भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी वर्गीकरण हो सकता है, लेकिन धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान जैसे वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं हो सकता। बताइए भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हो गया आपका अनुच्छेद 14, ठीक है। इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में पॉइंट ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की दो श्रेणियां हैं। मूल अधिकारों की कितनी श्रेणियां हैं? दो श्रेणियां हैं स्पेशल। पहली श्रेणी है नागरिक को प्राप्त अधिकार, नागरिक को प्राप्त अधिकार व व्यक्ति को प्राप्त अधिकार, व्यक्ति को प्राप्त अधिकार। कई बार पूछ लेता है सीधा सीधा क्वेश्चन कि संविधान में ऐसे कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो केवल नागरिक को प्राप्त है और बाकी कौन कौन से अधिकार हैं जो व्यक्ति को भी प्राप्त है। नागरिक और व्यक्ति का मतलब क्या है? नागरिक का मतलब है जिनके पास भारत की नागरिकता है, और व्यक्ति में ये मानिए विदेशी शामिल हो जाते हैं। व्यक्ति में क्या शामिल हो जाते हैं? आप कहेंगे विदेशी शामिल हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, नागरिक को जो प्राप्त अधिकार है भारतीय संविधान में, वो है अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो पाँच अधिकार हैं, ये स्पेशल किसको प्राप्त हैं? आप कहेंगे नागरिक को प्राप्त अधिकार है। जबकि इनको छोड़कर के जो शेष मूल अधिकार हो गए,
वो किसको प्राप्त अधिकार है, तो आप कहेंगे वो व्यक्ति को प्राप्त अधिकार है। तो पहली श्रेणी ध्यान रखिएगा, नागरिक को प्राप्त अधिकार और व्यक्ति को प्राप्त अधिकार। नागरिक को प्राप्त अधिकार 15, 16, 19, 29, 30, और व्यक्ति को प्राप्त अधिकार का मतलब इनको छोड़कर के जितने भी मूल अधिकार हैं वो विदेशियों को दिए जा सकते हैं। क्लियर। इसके बाद में देखिएगा दूसरी श्रेणी एक और है जिसको अपन कहते हैं निरपेक्ष मूल अधिकार और सापेक्ष मूल अधिकार। एक हो गया आपका निरपेक्ष मूल अधिकार और एक हो गया आपका सापेक्ष मूल अधिकार। निरपेक्ष मूल अधिकार का मतलब क्या है, आप कहेंगे कि जो निरपेक्ष मूल अधिकार है, ध्यान रखिएगा कौन से मूल अधिकार, आप कहेंगे निरपेक्ष मूल अधिकार जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं हो और जिनका उल्लंघन करने पर सीधा सीधा दंड देने का क्या हो, प्रावधान हो, वो कौन से मूल अधिकार है, ध्यान रखिएगा वो आपके निरपेक्ष मूल अधिकार है। क्लियर हो गया मामला कि निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष मूल अधिकार का मतलब वो अधिकार जिन पर कोई प्रतिबंध नहीं हो, जिनका उल्लंघन करने पर दंड का प्रावधान हो, वो कौन से मूल अधिकार है, निरपेक्ष मूल अधिकार। अब आपसे पूछा जाए कि संविधान में कौन कौन से निरपेक्ष मूल अधिकार हैं, तो एक तो है आपका अनुच्छेद 15(2), कौन सा है 15(2) है। एक आपका अनुच्छेद है 17 जिसमें लिखा है अस्पृश्यता का अंत, और एक है 23 और 24। 15(2) है, अनुच्छेद 17 है, 23 और 24। 23 और 24 में है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 15(2), 17, 23, 24 ये कौन से मूल अधिकार हैं, निरपेक्ष मूल अधिकार हैं। और इनको छोड़कर के जो शेष मूल अधिकार है, ध्यान रखिएगा इनको छोड़कर के जो शेष मूल अधिकार हैं, शेष मूल अधिकार हैं वो कौन से हैं, सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब है जिन पर प्रतिबंध का क्या हो, उल्लेख, जिन पर प्रतिबंध का क्या हो, उल्लेख हो, वो कौन से मूल अधिकार होते हैं, सापेक्ष मूल अधिकार होते हैं। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मूल अधिकारों की श्रेणियां आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। और अब अपन शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 15 की। देखिएगा अनुच्छेद 15 में क्या है, अनुच्छेद 15 में लिखा गया है सामाजिक समानता। कौन सी समानता लिखी गई है, आप कहेंगे सामाजिक समानता का जो उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15 में। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि संविधान के अनुसार सामाजिक समानता क्या है। जैसे अपन सामान्य अर्थ में कहते हैं कि भाई समाज में किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में इसमें लैंग्वेज क्या है, तो आप कहेंगे सामाजिक समानता का मतलब है कि समाज में किसी नागरिक के साथ, समाज में किसी नागरिक के साथ। अब ध्यान रखना मैं यहाँ पर नागरिक लिख रहा हूँ अनुच्छेद 15 में, क्योंकि अनुच्छेद 15 स्पेशल किसको प्राप्त है, नागरिक को प्राप्त है, व्यक्ति को प्राप्त नहीं है, इसलिए यहाँ पे व्यक्ति शब्द नहीं लिख सकते अपन, ठीक है। तो आप कहेंगे समाज में किसी नागरिक के साथ साथ केवल, एक शब्द और लिख रहा हूँ मैं, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। ध्यान रखिएगा सामाजिक समानता का मतलब क्या है, आप कहेंगे कि समाज में किसी भी नागरिक के साथ, केवल, केवल शब्द और आ रहा है, केवल का भी बताऊंगा मैं, केवल का मतलब यहां पे क्या है, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, यानी इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। बाकी केवल का मतलब है इन 5 के अलावा अनुच्छेद 15 में और अन्य आधार पर भेदभाव हो सकता है। आप कहेंगे सर अन्य आधार पर कैसे, तो मैं कहूं क्या अनुच्छेद 15 में ये लिखा हुआ आ जाए वर्ग, अनुच्छेद 15 में ये लिखा हुआ आ जाए भाषा, क्या वर्ग और भाषा के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है क्या, आप कहेंगे जी सर इसमें तो लिखा हुआ है धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसका मतलब न तो इसमें वर्ग शामिल है न इसमें भाषा शामिल है, तो इसका मतलब है कि इनके अलावा अगर वर्ग का नाम आ रहा है, कोई भाषा नाम आ रहा है, तो अनुच्छेद 15 में सरकार है, जिसका मतलब अपन कह रहे हैं राज्य है, वो क्या कर सकता है, भेदभाव कर सकता है, लेकिन कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, तो आप कहेंगे इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा, कौन कौन सा, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। पहली बात तो कंसेप्ट क्लियर।
बिल्कुल। अब देखिएगा, अब अगर अपन अनुच्छेद 15 की बातचीत करें तो आप कहेंगे अनुच्छेद 15 के 6 भाग हैं। अनुच्छेद 15 के कितने भाग हैं? 6 भाग, यानी 6 पार्ट पढ़ेंगे। और मैं पहले पार्ट की बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद 15(1), और अनुच्छेद 15(1) है ये राज्य के प्रतिनिर्देश है। किसके प्रतिनिर्देश है? राज्य के प्रतिनिर्देश है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ, समझ रहे हैं एक मिनट, राज्य अपने नागरिकों के साथ, नागरिकों के साथ केवल, देखो फिर शब्द आ रहा है केवल, वही 5 आधार है जो मैंने अभी समझाया है, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। समझ रहे एक मिनट, लिखा क्या है कि राज्य अपने नागरिकों के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। राज्य का मतलब है अनुच्छेद 12, और अनुच्छेद 12 में मैंने आपको बताया था कि भारत में वो संस्था जो कानून बनाती है, कानून का मतलब है चाहे वो संघ सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, चाहे वो संसद हो, चाहे वो विधानमंडल हो, अगर राज्य कानून बना करके, और राज्य कोई ऐसा कानून बनाए जो धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव कर रहा है, तो ध्यान रखिएगा वो बनाया गया कानून क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा। अर्थात राज्य कोई भी कानून लागू करेगा तो उसमें 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। जैसे कल्पना कीजिए कि जैसे सरकार कोई कानून बनाती है, और कल सरकार एक विधेयक लेके कोई कानून बना दे कि अब जो दवाई वितरण योजना है वो केवल हिंदू धर्म के व्यक्ति के लिए होगी, बाकी नहीं होगी। अब जैसे कल आपके सामने अखबार में आ गया कि ये दवाई वितरण योजना केवल हिंदू धर्म के लिए होगी, शेष धर्मों पर इसका लाभ नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब आपने केवल हिंदू धर्म का नाम लिया। हिंदू धर्म का मतलब आपने किसके आधार पर भेदभाव कर दिया? आपने कहा कि सब धर्म के आधार पर क्या हो गया? भेदभाव हो गया। और अगर धर्म के आधार पर भेदभाव होता है तो मैंने आपको बताया था मूल अधिकार क्या होते हैं, वाद योग्य होते हैं। आप सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दोगे कि मिलोर्ड इस कानून में, इस विधेयक में अनुच्छेद 15 का क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट फिर सीधा सरकार को फटकार लगाएगा कि अरे भाई रुक जा, आप अनुच्छेद 15 का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा, राज्य जब भी कोई कानून बनाएगा तो उसमें कितने आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा? 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। भेदभाव नहीं करेगा तो ये 5 के 5 आधार आपके याद होने चाहिए। क्लियर? अगला देखिएगा अनुच्छेद 15(2). अनुच्छेद 15(2) है ये किसके प्रति निर्देश है? ये संविधान नागरिकों के प्रति प्लस राज्य के प्रति, ध्यान रखिएगा फिर से, दोनों के प्रति निर्देश है, राज्य के प्रति और नागरिकों के प्रति क्या निर्देश है? निर्देश वही है कि नागरिक एक दूसरे के साथ केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और कहाँ भेदभाव नहीं करेंगे, समझना एक मिनट, कहाँ भेदभाव नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे कि जैसे कोई सार्वजनिक स्थान है, कोई भी सार्वजनिक स्थान आ जाए, पब्लिक पैलेस आ जाए, वहाँ भेदभाव नहीं करेगा। और दूसरा, राज्य द्वारा बनाए गए कोई कुआ है, कोई तालाब है, कोई सड़क है, यानी पब्लिक पैलेस आप यह कह सकते हो, कोई कुआ है, तालाब है, सड़क है, जो पब्लिक के लिए है, जिसने सरकार ने बनाया है, वहाँ पर आप किसी नागरिक के साथ, या नागरिक एक दूसरे के साथ धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। और अक्सर अपन देखते हैं ये समस्या गाँव में मिल जाती है, तो ध्यान रखिएगा ये अनुच्छेद सीधा 15(2) का उल्लंघन है अगर इस आधार पर भेदभाव होता है। और ये भी मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि अनुच्छेद 15(2) निरपेक्ष मूल अधिकार है, सीधा दंड का क्या है, प्रावधान है। तो बताइए 15(1) और 2 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
यानी 15(1) और (2) में बिल्कुल ऐसे लगा कि भारत में बिल्कुल सामाजिक समानता है, बिल्कुल कौन सी है, सामाजिक समानता। क्लियर। अब जो आप पढ़ेंगे 15(3), 15(4), 15(5) और 15(6), ये 15(1) और (2) के अपवाद है। ये 15(1) और (2) के क्या है, अपवाद। तो सुनना एक मिनट, फिर अपन बातचीत करें तो सारे ये अपवाद हो जाएंगे। और अपवाद में है अनुच्छेद 15(3). अब आप कहेंगे सर अपवाद कैसे है, समझना एक मिनट, लिखा क्या है इसमें, इसमें लिखा है राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए, एवं बच्चों के लिए विशेष नियम बना सकता है। राज्य महिलाओं एवं बच्चों के लिए क्या बना सकता है, विशेष नियम बना सकता है, या आप कह सकते हैं कि अनुच्छेद 15(3) के तहत राज्य है वो महिला एवं बच्चों के लिए विशेष सुविधा दे सकता है। विशेष क्या दे सकता है, सुविधा दे सकता है, जो अनुच्छेद 15(1) और (2) का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब आप देखिएगा, समझिएगा, पहले इसमें देखो नाम आ रहा है महिला। अब महिला लिंग है, धर्म है, वंश है, जाति है, लिंग है, जन्म स्थान है। आप कहेंगे नहीं सर इनमें से तो कोई नहीं है, किसी के माइंड में आ रहा होगा लिंग, लिंग नहीं है, लिंग होता है लड़का और लड़की। महिला यहां पर अपने आप में क्या है, वर्ग। बच्चा अपने आप में यहाँ पर क्या है, वर्ग। और आपको अभी मैंने बताया है कि अनुच्छेद 15 में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा, धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनको छोड़ करके सरकार क्या कर सकती है, भेदभाव कर सकती है, राज्य भेदभाव कर सकता है। और इस 15(3) में वर्ग आया है कौन कौन सा, महिला और बच्चे। और महिलाओं और बच्चों के लिए राज्य है वो विशेष नियम बना सकता है, उन्हें विशेष सुविधा दे सकता है, जो अनुच्छेद 15 का क्या नहीं माना जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। जैसे आप कहेंगे जैसे सर कर क्या रहा है, तो ये तो आपको सबको ध्यान ही है, जैसे महिला, महिला के लिए जैसे महिला आयोग बना दिया, महिला के लिए क्या बना दिया, महिला आयोग। अब बताइए अगर महिलाओं के साथ कोई दुराचार होता है तो महिला आयोग में जाकर के अपनी शिकायत कर सकती है, लेकिन यदि पुरुषों की पिटाई महिलाओं के द्वारा हो तो बेचारा पुरुष कहाँ जाए, पुरुषों के लिए कोई स्पेशल पुरुष आयोग नहीं है। तो महिलाओं के लिए जैसे महिला आयोग बना देना, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि महिलाओं के लिए जैसे घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम बनाना, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम जो 2005 में बनाया गया था, ये स्पेशल महिलाओं को प्रोटेक्शन देता है। जैसे आप देखते हो महिला हेल्पलाइन नंबर, महिला हेल्पलाइन नंबर बना। जैसे महिलाओं को अभी भामाशाह कार्ड में भी महिलाओं का नाम, राशन कार्ड में भी महिलाओं का नाम, महिलाओं को अभी अभी आपके जैसे लोकल गवर्नमेंट में आरक्षण दिया गया है। तो ये सारे किस अनुच्छेद का कमाल है, जो भी महिलाओं को सरकार सुविधा दे रही है ये अनुच्छेद 15(3) का कमाल है। क्लियर। फिर देखिएगा बच्चों के लिए, तो आप कहेंगे बच्चों के लिए सरकार क्या कर रही है, तो बच्चों के लिए जैसे सरकार ने पोक्सो एक्ट बना दिया स्पेशल, कौन सा एक्ट बना दिया, पोक्सो एक्ट। क्या बच्चों के साथ कोई यौन दुर्व्यवहार नहीं करोगे, और अगर यौन दुर्व्यवहार करते हो तो पोक्सो एक्ट के तहत आपको क्या किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। क्लियर। बच्चों के लिए जैसे निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करना, निःशुल्क क्या करना, शिक्षा व्यवस्था करना। बच्चों के लिए जैसे पोषाहार योजना लागू करना, बच्चों के लिए सरकार अलग अलग सुविधाएं दे रही है। तो ये सारे जो बच्चों और महिलाओं के लिए सरकार जितनी भी भविष्य में या आज या इससे पहले जितनी भी व्यवस्थाएं की हैं स्पेशल, वो किस अनुच्छेद के तहत की है, 15(3) के तहत। बताइए भाई क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। चलो जी बहुत बढ़िया। अरे आप तो कंसेप्ट समझिएगा, देखो मैं कह रहा हूँ बच्चों कंसेप्ट समझ गए ना तो ये मान लो कि अपना क्वेश्चन भी सही हो गया। क्लियर। अब देखिएगा, अब अपन थोड़ी सी चर्चा 15(4), 15(5) और 15(6) को समझने से पहले अपन थोड़ी सी चर्चा एक पॉइंट पे करते हैं जिसका नाम है आपका आरक्षण, रिजर्वेशन। और ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान में आरक्षण कहाँ कहाँ है और कितने प्रकार का आरक्षण है मुख्यतः। तो देखो एक तो भारतीय संविधान में शैक्षणिक संस्थाओं में, कौन सी संस्थाओं में, शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का उल्लेख है। एक भारतीय संविधान में सरकारी सेवाओं में,
कौन सी सेवाओं में? सरकारी सेवाओं में किसका उल्लेख है? आरक्षण का उल्लेख है। एक भारतीय संविधान में आप कहेंगे राजनीतिक आरक्षण है। राजनीतिक आरक्षण का मतलब है लोकसभा व विधानसभा में एससी एसटी, और अब हाल फिलहाल ध्यान रखना 106वां संविधान संशोधन, और ये होते ही महिलाओं को भी लोकसभा विधानसभा में क्या मिल जाएगा? रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो ये राजनीतिक आरक्षण में शामिल है, जिसका अब देखिएगा इनका उल्लेख कहाँ है। तो आप कहेंगे शैक्षणिक संस्थानों में जो आरक्षण का उल्लेख है वो है आपका अनुच्छेद 15(4), 15(5) और 15(6) में, जबकि सरकारी सेवाओं में जो आरक्षण का उल्लेख है वो है 16(4) और 16(6) में है। जबकि राजनीतिक आरक्षण लोकसभा और विधानसभा में एससी और एसटी को तो पहले से आरक्षण है। आपको पता है लोकसभा में 84 और एससी की सीट और 47 एसटी की सीट रिजर्व्ड है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये राजनीतिक आरक्षण है, इसका उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 330 से 333 के बीच में है। 330 से 333 के बीच में ये जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिया गया है लोकसभा विधानसभा में एससी एसटी को आरक्षण, और 106वां आपका आ चुका है, और ये जो आपका 128वां जो संविधान संशोधन विधेयक, जैसे ही राष्ट्रपति को अनुमति मिलेगी वैसे ये 106 छठवें संविधान संशोधन में बदल जाएगा, और फिर महिलाओं का एक तिहाई आरक्षण इसमें क्या कर दिया जाएगा? रिजर्व कर दिया जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा, अब आपके एक माइंड में सेट हो गया कि जो अपन 15(4), 15(5) और 15(6) पढ़ने वाले हैं उसमें किस में आरक्षण है? तो आप कहेंगे सर शैक्षणिक संस्थानों में क्या है आरक्षण। तो अब देखिएगा 15(4), 15(5) और 15(6), देखिएगा ये हो गया आपका 15(4), 15(5) और 15(6), समझिएगा। ये अनुच्छेद जो 15(4) है ये कहता है कि एससी एसटी और ओबीसी तीन वर्ग हैं, एससी एसटी और ओबीसी इन तीनों वर्गों को सरकारी ओब्लिक सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में, सार्वजनिक शिक्षण संस्थानों में फीस और एडमिशन में, क्योंकि स्कूल में क्या होता है फीस में और एडमिशन में क्या दी गई है? छूट दी गई है, या आप कहेंगे इनको क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। बताइए भाई 15(4) में कौन से शिक्षण संस्थानों में है? आप कहेंगे सरकारी। कौन से शिक्षण संस्थानों में है? आप कहेंगे सरकारी शिक्षण संस्थानों में क्या दिया गया है? आरक्षण दिया गया है। कितने वर्गों को? तो वर्ग के आधार पर आरक्षण है। फिर मैं कह रहा हूं धर्म वंश जाति लिंग जन्म स्थान यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी ये अपने आप में क्या है? वर्ग। और मैंने कहा कि वर्ग के आधार पर 15 में क्या हो सकता है? भेदभाव हो सकता है। तो तीन वर्ग है, चारों वर्ग नहीं है, जनरल नहीं है। यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी इन तीनों वर्गों को सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में आप जाते हैं एडमिशन लेने के लिए, तो वहाँ बताइएगा आरक्षण है या नहीं है। जैसे आप प्लस टू पास करके गए, आप फर्स्ट ईयर में जाते हैं किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पे देखिएगा जनरल एससी एसटी ओबीसी की अलग मेरिट जाती है, उनकी फीस स्ट्रक्चर भी क्या होता है? अलग होता है। वो किस अनुच्छेद का कमाल है? 15(4) का कमाल है। क्लियर? अब आपसे पूछा जाए कि 15(4) क्या मूल संविधान में था? तो आप कहेंगे ये 15(4) जोड़ा गया, और ये 15(4) कब जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया? 15(4) जोड़ा गया। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर। अगला देखिएगा 15(5). 15(5) देखो ये जोड़ा कब गया, तो ये आप कहेंगे 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया। 93वां संविधान संशोधन 2005 में जोड़ा गया, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा 2005 में जोड़ा गया है 93वें संविधान संशोधन के तहत, और इसमें व्यवस्थाएं क्या की गई हैं? तो देखिएगा व्यवस्थाएं जो आपकी हुई हैं इसके अंदर, तो इसमें पहले व्यवस्थाएं देखिएगा, फिर अपने मामले को देखते हैं। और ये देखिएगा आपके लिए बहुत बड़ा ऑफर, बिग ऑफर है आपके लिए। और बिग ऑफर क्या है? सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे 90% तक छूट है आपकी। सभी ऑनलाइन कोर्स के ऊपर कितनी परसेंट तक छूट है? 90% तक। होली की छूट है, और ध्यान रखिएगा भाई ताबड़तोड़ खरीद लीजिएगा।
खरीद लीजिएगा, क्योंकि आपको अच्छी क्वालिटी मिलनी है, अच्छे विषय विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ने का आपको एक सुनहरा अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और ये होली का आपके लिए एक बड़ा ऑफर 21 से 28 मार्च तक, क्लियर? देखिएगा, आगे देखिएगा। अब अपना मामला कहाँ चल रहा था, तो आप कहेंगे कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत तो 15-4 जोड़ दिया गया, अब 15-5 जोड़ा कब गया, तो ये जोड़ा गया 93वां संविधान संशोधन 2005। और इसमें देखिएगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा, वही तीन वर्ग SC, ST और OBC, इन तीनों वर्गों को निजी शिक्षण संस्थानों में, ध्यान रखिएगा कौन से शिक्षण संस्थानों में, आप कहेंगे निजी शिक्षण संस्थानों में क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है। निजी शिक्षण संस्थानों में क्या दिया गया है, आरक्षण। और आपसे पूछा जाए कि निजी भी कौन सी हैं, तो ध्यान रखिएगा निजी शिक्षण संस्थानों में आप कहेंगे जैसे केंद्रीय शिक्षण संस्थान, केंद्रीय शिक्षण संस्थान, और केंद्रीय शिक्षण संस्थान जैसे IIT, IIM, IIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थानों में जैसे OBC को 27% क्या दिया जाना, आरक्षण दिया जाना, क्लियर? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो 15-5 वाला जो प्रावधान है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होता है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर क्या नहीं होता है, लागू नहीं होता है, याद रख लीजिएगा भाई, नोट कर लीजिएगा, लागू नहीं होता है। कि जो भी अल्पशिक्षक आपकी जो माइनॉरिटीज इंस्टीट्यूट हैं, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हैं, उसके ऊपर कौन सा अनुच्छेद लागू नहीं होता है, तो ये 15-5 लागू नहीं होता है। अगला देखिएगा 15-6, और ध्यान रखिएगा ये 15-6 कब जोड़ा गया, तो ये 15-6 जोड़ा गया आपका, आप कहेंगे 103वें संविधान संशोधन के तहत। और आपको पता ही है 103वें संविधान संशोधन जो मोदी सरकार में हुआ, और इसमें ईडब्ल्यूएस को 10% आर्थिक आधार पर क्या दिया गया, आरक्षण, यानी जनरल से कैटेगरी बनाई गई EWS, और EWS को 10% आर्थिक आधार पर 103वें संविधान संशोधन के तहत क्या दिया गया, आरक्षण दिया गया। और इसके तहत आप कहेंगे कि EWS को सार्वजनिक प्लस निजी दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थानों में, याद रखिएगा भाई, दोनों प्रकार की शिक्षण संस्थानों में क्या दे दिया गया है, आरक्षण दे दिया गया है। बताइए भाई, 15-4, 15-5 और 15-6 का कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया? तो यहां तक ध्यान रखिएगा, ये प्रत्येक कंसेप्ट आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। ये आपका अनुच्छेद 15 कंप्लीट हो गया। अब अपन बातचीत करें अनुच्छेद 16 की, किसकी बातचीत करें, अनुच्छेद 16 की। और अनुच्छेद 16 में क्या लिखा हुआ है, सुनना भाई, ये भी बड़ा प्यारा अनुच्छेद है। और अनुच्छेद 16 में लिखा हुआ है अवसर की समानता का मतलब है कि सरकारी सेवाओं में आपकी समानता की बात करता है अनुच्छेद 16। और ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 16 के भी कितने भाग हैं, तो अनुच्छेद 16 के भी 6 भाग हैं। अनुच्छेद 16 के भी कितने भाग हैं, आप कहेंगे अनुच्छेद 16 के भी कितने भाग हैं, 6। अब ध्यान रखिएगा 6 भाग हैं, तो लिखा क्या है इसके अंदर, तो 16(1) और 16(2) है, उसमें तो बिल्कुल अवसर की समानता की बातचीत की गई है कि भारत में प्रत्येक नागरिक को किसकी समानता है, अवसर की समानता है। तो देखिएगा 16(1) और 16(1) कह रहा है कि राज्य के अधीन सेवाओं में सभी नागरिकों को किसकी समानता होगी, आप कहेंगे अवसर की समानता होगी। किसकी समानता होगी, अवसर की समानता होगी, यानी सभी नागरिकों को किसकी समानता होगी, अवसर की, पहले सुनना। और 16(2) क्या कह रहा है, फिर इसका एक्सप्लेन करेंगे अपन। अनुच्छेद 16(2) कह रहा है कि राज्य के अधीन सेवाओं में किसी भी नागरिक के साथ ध्यान रखिएगा धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान,
उद्भव व निवास के आधार पर, उद्भव व निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। समझ रहे, एक मिनट, 16(1) में क्या कहा गया? 16(1) में कहा गया कि राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं हैं, राज्य के अधीन सेवा का मतलब है गवर्नमेंट जॉब, उसमें सभी नागरिकों को अवसर की समानता होगी। अब ये बताओ कौन सी अवसर की समानता की बात कर रहा है ये? तो ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म भरने वाली अवसर की समानता की बात कर रहा है 16(1) और 2 कि राज्य जितनी भी गवर्नमेंट जॉब खोलेगा उसमें आप फॉर्म भर सकते हो, उसे देख सकते हो। यानी अगर मैं एग्जाम्पल दूँ कि जैसे 20,000 भर्तियाँ खुली हैं या 10,000 पदों पर भर्तियाँ खुली हैं, तो ये कहता है कि 10,000 पदों पर भर्तियां खुली हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। अगर आप योग्य हो तो 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख जितने फॉर्म भर सकते हो वो आप भर सकते हो। अर्थात भंडारा कितने का है? 10,000 का। खुशबू लेने का सबको अधिकार है। भंडारा कितने का है? 10,000 का। पद 10,000 है लेकिन खुशबू, यानी आपसे कहा गया कि पद 10,000 है, व्यक्ति शामिल इसमें कितने भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब 16(1) किसकी बातचीत करता है? आप कहेंगे सर फॉर्म भरने वाली समानता की बातचीत करता है। और जब भी आप सरकारी सेवाओं में फॉर्म लगाओगे तो आपके साथ कितने आधारों पर भेदभाव नहीं होगा? 7 आधारों पर भेदभाव नहीं होगा। देखो 15 में कितने आधार आ रहे थे? आप कह रहे हैं सर 15 में 5 आधार आ रहे थे। कौन कौन से? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान। जबकि 16 एक्स्ट्रा आधार और है, एक उद्भव है और एक निवास है, बाकी 5 तो वही आधार है। उद्भव का मतलब है कि आपकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई है, और निवास का मतलब है कि अब आप कहाँ रह रहे हो। जैसे मैं, मेरी उत्पत्ति कहीं और से है लेकिन मैं अभी जयपुर में रह रहा हूँ, तो उत्पत्ति का मतलब उद्भव और मैं यहाँ रह रहा हूँ निवास, इसके आधार पर भी भेदभाव नहीं होगा। क्लियर हो गया? अब ध्यान रखिएगा, अब मैं अनुच्छेद बात कर रहा हूँ, अनुच्छेद 16(3), और 16(3) बड़ा इम्पोर्टेंट है। और ये 16(3), 16(4), 16(5) और 16(6) हैं, ये अनुच्छेद 16 के क्या है? अपवाद है। अब गवर्नमेंट जॉब में आपके अपवाद शुरू हो रहे हैं और वो हो रहा है अनुच्छेद 16(3) से। 16(3) क्या कह रहा है सुनना, कि संसद विधि बनाकर निवास के आधार पर सरकारी सेवा में भेदभाव कर सकती है। और आगे भी लिखा है यह भेदभाव करने की शक्ति राज्य विधानमंडल में निहित नहीं है। समझ रहे, एक मिनट देखिएगा इधर क्या कह रहा है। पर तो देखो दोनों चीज देखो, 16(2) ये कह रहा है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और 16(3) ये कह रहा है कि संसद विधि बना करके किसके आधार पर भेदभाव कर सकती है? आप कहेंगे सर निवास के आधार पर भेदभाव कर सकती है। तो आपके माइंड में आ रहा होगा सर मामला क्या है, 16(2) ये तो कह रहा है कि निवास के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, 16(3) कह रहा है निवास के आधार पर भेदभाव हो सकता है। तो सुनना, हो सकता है। एक बात बताइए, 16(2) की बात करूं जिसमें कहा गया है निवास के आधार पर क्या नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा। एक बात बताइए, आप राजस्थान के निवासी हैं, भारत में कहीं पर भी जाकर के बताइए किसी भी राज्य की भर्ती देख सकते हैं कि नहीं देख सकते? आप कहेंगे सर जी सर बिल्कुल देख सकते हैं। राजस्थान वाले हरियाणा में जा सकते हैं, राजस्थान वाले यूपी जा सकते हैं, यूपी वाले राजस्थान में आ सकते हैं, हरियाणा वाले राजस्थान में आ सकते हैं। तो क्या निवास के आधार पर भेदभाव हो रहा है? आप कहें जी सर बिल्कुल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब 16(2) क्लियर। अब ये कह रहा है 16(3), संसद चाहे तो, कौन चाहे तो? संसद, सामान्य परिस्थिति में नहीं, संसद चाहे तो किसके आधार पर? निवास के आधार पर सरकारी सेवा में क्या कर सकती है? भेदभाव कर सकती है। और ये भेदभाव करने की शक्ति किसके पास नहीं है? राज्य विधानमंडल में निहित नहीं है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं से सीधा निकलेगा कि निवास के आधार पर सरकारी सेवाओं में भेदभाव करने की शक्ति किसमें निहित है?
ए राष्ट्रपति में निहित है, बी विधानमंडल में निहित है, सी संसद में निहित है, डी इनमें से कोई नहीं, तो ध्यान रखिएगा निवास के आधार पर सरकारी सेवाओं में भेदभाव करने की शक्ति संसद में निहित है। और संसद चाहे तो हो सकता है, राज्य सरकार चाहे तो नहीं होगा। क्लियर? अब संसद ने ऐसा किया कब, तो ध्यान रखिएगा संसद ने 1957 में एक अधिनियम पारित किया गया, लोक नियोजन अधिनियम। कौन सा? आप कहेंगे लोक नियोजन अधिनियम 1957। और ये निवास वाली जो शर्त है, याद रखना ये निवास वाली जो शर्त है ये चार राज्यों पे लागू कर दी। किस किस पे लागू कर दी? आंध्र प्रदेश पर, एक लागू कर दी हिमाचल प्रदेश पर, एक लागू कर दी मणिपुर पर, और एक लागू कर दी त्रिपुरा पे। चार राज्यों पे क्या कर दी? लागू कर दी। अर्थात ये निवास वाली शर्त 57 में चार राज्यों पे लागू की कि इन राज्यों में निवास की शर्त के आधार पर गवर्नमेंट जॉब में भर्तियां होंगी, और यदि ये सरकारें चाहें तो बाहरी राज्य के निवासियों पर प्रतिबंध लगा सकती हैं, पहले अपने युवाओं को बढ़ावा दे सकती हैं। क्लियर? तो आप कहेंगे निवास वाली शर्त सबसे पहले कहां लगाई गई, तो आप कहेंगे 1957 में संसद ने एक्ट बना करके कितने राज्यों पे लगा दी? चार राज्यों पे। क्लियर? अब ध्यान रखिएगा 1974 में संसद ने ये निवास वाली शर्त तीन राज्यों से हटा ली, हिमाचल मणिपुर त्रिपुरा, और किस पर लागू रहने दी? आप कहेंगे ये आंध्र प्रदेश पे लागू रखी निवास वाली शर्त, कि अभी भी आंध्र प्रदेश है वो अपने भर्तियों के अंदर अपने निवासियों को प्राथमिकता दे सकता है, बाकी राज्यों के लोगों को प्रतिबंधित कर सकता है। ठीक है? अभी एक और संविधान संशोधन हुआ, आपको ध्यान होगा 98वां संविधान संशोधन, और 98वें संविधान संशोधन के तहत संसद ने ये निवास वाली शर्त किस राज्य पर लागू कर दी? कर्नाटक राज्य, यानी कर्नाटक राज्य के राज्यपाल को भी ये शर्त दे दी कि अगर कर्नाटक का राज्यपाल चाहे तो अपनी सेवाओं में, राज्य की सेवाओं में निवास वाली शर्त लगा सकता है। क्लियर? और ये किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया? तो इसके तहत जोड़ा गया अनुच्छेद 371J, और अनुच्छेद 371J जोड़ करके कहा गया कि अगर कर्नाटक का राज्यपाल चाहे तो कर्नाटक में निवास वाली शर्त लगा सकता है। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? राजस्थान में भी हो सकता है क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल राजस्थान में भी हो सकता है, यदि राज्य विधानमंडल संसद से रिक्वेस्ट करे और संसद चाहे तो राजस्थान में भी सरकारी सेवाओं में निवास की शर्त लगाई जा सकती है, किसी भी राज्य में लगाई जा सकती है। लेकिन लगाएगा कौन? आप कहेंगे लगाएगी संसद। किस अनुच्छेद के तहत लगाएगी? तो आप कहेंगे अनुच्छेद 16(3) के तहत लगाएगी। बताओ क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया क्लियर? एक एक कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए भाई। ठीक है, अगला देखिएगा। अब 16(3) के बाद में अगर हम बातचीत करें तो अब है आपका अनुच्छेद 16(4), और बड़ा चमत्कारी अनुच्छेद है भाई। और 16(4) को मैं चमत्कारी कह क्यों रहा हूं? क्योंकि इसमें उल्लेख है सरकारी सेवाओं में आरक्षण का उल्लेख, सरकारी सेवाओं में किसका उल्लेख है? आप कहेंगे सर सरकारी सेवाओं में रिजर्वेशन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? 16(4) में है। अब पहली बात तो ये देखिएगा कि 16(4) में किसको आरक्षण है। देखिएगा भारत में चार वर्ग हैं, जनरल है, ओबीसी है, एससी है और एसटी है। तो देखिएगा एससी और एसटी को तो जैसे संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, वैसे ही एससी और एसटी को तो आरक्षण दे दिया था। तो 16(4) किसके लिए कहा गया है? तो 16(4) में एक प्रावधान लिखा गया है, वो ओबीसी के लिए कहा गया है। किसके लिए कहा गया है? ओबीसी के लिए। तो ध्यान रखिएगा 16(4) में किस वर्ग के आरक्षण का प्रावधान है? ओबीसी का। लेकिन लिखा क्या है इसके अंदर ध्यान रखिएगा, 16(4) में लिखा गया है कि ऐसा वर्ग जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, तथा जिसका सरकारी सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पर्याप्त
प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे वर्ग को सरकारी सेवा में, ध्यान रखिएगा, ऐसे वर्ग को सरकारी सेवा में क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। ये लिखा 16(4) के अंदर, देखिएगा 16(4) में लिखा ऐसा वर्ग जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है, यानी ओबीसी के कितने आधार माने गए हैं या पिछड़ेपन के कितने आधार माने गए हैं, दो आधार, एक सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ और एक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, ओबीसी कह सकते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास। और ओबीसी के दो आधार माने गए हैं, एक तो सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ हो और एक शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ हो। अगर ऐसा कोई वर्ग है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और सरकारी सेवा में जिसका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे वर्ग को क्या दिया जा सकता है, आरक्षण दिया जा सकता है। बस ये लाइन ही लिखी शुरुआत में। अब जैसे जैसे लोग आगे बढ़ने लगे, संविधान लागू हुआ और सबकी ध्यान इस 16(4) पे जाने लगा कि यार ऐसा वर्ग जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है और जिसका सरकारी सेवा में क्या नहीं है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ऐसे वर्ग को क्या दिया जा सकता है, आप कहेंगे आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे वर्ग को क्या दिया जा सकता है, आप कहेंगे आरक्षण दिया जा सकता है। तो धीरे धीरे लोग इसको देख देख करके और सरकार से मांग करने लग गई कि भाई साहब आप ये बताइए कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग में शामिल कौन होंगे, कम से कम ये तो बताइए कि आप आरक्षण दोगे किस आधार पर दोगे। भाई सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर संविधान में लिखा हुआ है तो इसमें शामिल कौन है, तो आप कहेंगे कि संविधान के प्रारंभ में इस ओबीसी को परिभाषित नहीं किया गया, इस ओबीसी को परिभाषित नहीं किया गया। ओबीसी का मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को परिभाषित किया ही नहीं कि इसमें कौन शामिल होगा। लोग सरकार से मांग करने लगे कि भाई साहब आप बताइए कि इसमें कौन कौन शामिल होगा। जैसे जैसे मांग सरकार तक पहुंचने लगी तो सरकार ने इस सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को परिभाषित करवाने के लिए पहला आयोग बनाया। ध्यान रखिएगा ये 16(4) का पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लेना। पहला आयोग बनाया प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। और ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया गया, ये बनाया 1953 में। और इस आयोग का जो अध्यक्ष बनाया वो बनाया काका कालेलकर को। किसको बनाया गया, काका कालेलकर को इसका अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए इस आयोग को, ध्यान रखिएगा, काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जानते हैं, काका कालेलकर आयोग के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपसे पूछा जाए कि काका कालेलकर आयोग का संबंध किससे था, तो आप कहेंगे पिछड़े हुए वर्ग से था। या प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया, 1953 में। या काका कालेलकर आयोग का गठन कब किया गया, 1953 में। अब सीधा सीधा याद रखिएगा कि ये जो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग जो 16(4) में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग को परिभाषित करने के लिए बनाया गया था, इसकी टू द एक ही लाइन याद रखिए, ज्यादा महाभारत माइंड में पालनी नहीं है। आप कहेंगे कि यह आयोग ओबीसी को, अरे समझ में आ रहा नहीं ओबीसी कहां से ला रहा हूं मैं, ओबीसी का मतलब सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग, ओबीसी को परिभाषित करने में असफल रहा। ध्यान रखिए, सीधा याद रखिए, परिभाषित करने में क्या रहा, आप कहेंगे असफल रहा। यानी प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी को परिभाषित करने में असफल रहा, यानी अर्थात इसने जो सिफारिशें सौंपी थी सरकार को, सरकार ने इसकी सिफारिशों को नहीं माना, तो इसका मतलब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग क्या रहा, बिल्कुल असफल। ध्यान रखिएगा 16(4) में आरक्षण का आज अपन पोस्टमार्टम ही कर देंगे, और ये आरक्षण की राजनीति समझ में आ गई तो पूरा ये अनुच्छेद 16(4) का पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। पूरा कंसेप्ट ही क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बताओ क्लियर हुआ यहां तक, तो यहां तक तो ध्यान रखिएगा, ये बातें तो अपन को माइंड में सेट करनी ही करनी है।
और सभी थम्सअप कर दिया करो, एक एक चीज को क्लियर करते जाओ ना, तो ऐसे थम्सअप कर दिया करो कि सर क्लियर हो गया, सर क्लियर हो गया। बताइए अभी तक अपने पढ़ा अनुच्छेद 14 पढ़ा, अनुच्छेद 15 पढ़ा, 15 के अपने 6 पार्ट पढ़े और 16 के अपन 16-4 पढ़ रहे हैं कल, तो ये बताओ इतना इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया क्लियर? अरे वाह भाई बहुत बढ़िया, देखो कितने सारे स्टूडेंट हैं और हर आदमी ये कह रहा है सर क्लियर हो गया। तो ध्यान रखिएगा अगर ढंग से समझोगे ना, तो मैं कह रहा हूँ हर चीज़ अपनी क्या है, क्लियर है। और अगर माइंड थोड़ा रखोगे क्लास में तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जो क्लियर नहीं हो, ठीक है? और बाकी अपन मिलते हैं कल।